जनरल बात जो सामान्य जो बातें होती है वो बात मैं बता रहा हूँ। अगर एमबीए भी किसी कहते हैं कि 1 लाख एक साल का है तो 10 साल का तो 10 लाख रुपये, और जब आप बुजुर्ग होंगे जिस समय अगर आपका बेटा आज 1 साल का है तो आप अगर 51 साल के जब होंगे सॉरी क्षमा चाहते हैं जब आपका बेटा 1 साल का है, अगर वो बच्चा आपका जब 51 साल का होगा, अगर आपका बेटा 10 साल का है, अगर वो 60 साल का होगा, तो क्या आप सोच सकते हैं कि आपके नहीं रहने के बावजूद भी जो आप कभी उस बच्चे के जीवन में दे नहीं सकते थे दोस्त, जो आपने देकर ईश्वर न करे कि कोई किसी से बिछड़े, ये हम सभी की स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि स्वास्थ्य धन है, लेकिन बताना और मानना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैथमेटिक्स में क्या है, लेट्स मान लिया जाए, मानकर ही सब सॉल्व होता है समस्याएं, मान लिया जाए तो मान लिया भी अभी कैसे नहीं, और ये कोई उदाहरण एग्जाम्पल नहीं है। 1000 का इन्वेस्टमेंट अगर नहीं जानते हैं दोस्तों तो जान लीजिए, 1000 का इन्वेस्टमेंट हम जो कहेंगे, कुछ लोगों के तो लगेगा कि या तो हमको पागल कहेंगे या कहेंगे कि ये ज़्यादा फालतू बोलता है, ये खाली बकवास करता है, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ जाकर अच्छी तरह एनालिसिस करना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। 1000 का आपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे, और जो जानते हैं वो मेरी बातों को समझ सकते हैं अच्छी तरह, और मेरी बात कितनी सच्चाई है 1000% सच बात है। 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, 1000 का इन्वेस्टमेंट, हम नहीं थे उस समय, 1000 का इन्वेस्टमेंट 700 अरब, जी कितना, 7 अरब नहीं, 700 अरब, 7 अरब नहीं, 700 अरब, 1000 रुपये 700 अरब, जानते हैं, बना कर दिया एक ऐसा कंपनी, भारत की कंपनी है, कितने साल में, 1976 में ये स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुआ था, ये भी जान लीजिए, और ये बात आपको जरूर जानना चाहिए दोस्तों। क्षमा चाहते हैं, 700 अरब नहीं, 7 अरब, जी, और ये 7 अरब कितना होता है आप हिसाब किताब कर लीजिए, उसका कंपनी का नाम है विप्रो इंडिया लिमिटेड, जी, और विप्रो इंडिया लिमिटेड उसके बाद निफ्टी 50 में लिस्टेड हुई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हुई, अभी विप्रो इंडिया निफ्टी 50 से बाहर है, और बाहर होने के बाद भी आज भी उसकी प्राइस 500-600, और इसकी प्राइस देखिए दोस्तों, इसकी प्राइस आज से नहीं, हम जब से देख रहे हैं ये 350 से 400, 450 से 450 नहीं बढ़ा, लेकिन कमाई कितने, 1000 रुपया का कमा कर कितना दिया, 7 अरब रुपये। उसी तरह की कंपनियां हैं जो आपको एमबीए बीके सिंह देने वाले हैं आने वाले समय में, 1 लाख का 10 अरब बनेगा, 10 लाख का 100 अरब, 1000 अरब बन जाएगा, ये भी, और ये भारतीय शेयर बाजार में बनने वाले दोस्त। तो और भले हमारी जो आज का जो वर्तमान समय में दोस्तों, आज के लिए एमबीए बीके सिंह नहीं सोचते हैं, हमारी आने वाला पीढ़ियां, हम जिस स्थिति में अभी बकबक कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं 50,000 करोड़ के लिए, वो ये बकबक न करें, और उनको ये पता चले, आपके लिए बोल रहा हूँ, अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके लिए भी बोल रहा हूँ,
तो उनको पता चले कि नहीं, देश के लिए, अपने लिए, कंपनियों के लिए इन्वेस्टमेंट शुड बी मस्ट फॉर एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट. इफ यू इन इंडियन स्टॉक मार्केट शेयर होल्डर, तो आपको बता देते हैं बीएफबी के सिंह कि सिर्फ और सिर्फ आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट डिलीवरी में शेयर लेकर ऐसे शेयर लीजिए जो आपको मल्टी वेगर दिन दूना रात चौगुना इंतजार करना पड़ता है दोस्त. इंतजार करेंगे तभी कुछ होता है शेयर बाजार में. और शेयर बाजार कहता है कि हमको क्या तुम इंतजार कर रहे हो, इंतजार करो, वेट करो. उसकी जितना ज़्यादा चिंता करोगे हम नहीं बढ़ेंगे, तुमने सोचा भी नहीं होगा जब हम बढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों जी. तो शेयर बाजार कहता है कि हमको आराम से रहने दो, फिर हम बताएंगे कि हम तुमको क्या कमा कर देंगे. बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं दोस्तों, आराम से रहते हैं, आपने सोचा भी नहीं होगा. कुछ माइनस में रहते हैं, कुछ तो 50% 60% रहते हैं, लेकिन उसकी वो कंपनी का प्लानिंग क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, ये बातें बहुत माने रखता है दोस्तों. और आज भी विप्रो इंडिया एडवाइस करते हैं आने वाले समय में ये जल्दी ही 700 के पार जाने वाला है. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. और आपको और आपके पूरे परिवार को भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, स्वस्थ रहें, मन से आप खुश रहें. ये मेरा ईश्वर से प्रार्थना है. कभी कभी क्या होता है दोस्त कि हम जो नहीं सोचते वो भी बोलना शुरू कर देते हैं, और ये अक्सर होता है. अगर मेरी कुछ गलतियां हैं, कमियां हैं, तो कमेंट में ज़रूर कीजिए. शायद हमें लगता है कि कुछ ज़्यादा हो गया, और ये इसलिए हो गया ईश्वर की इच्छा थी. विप्रो इंडिया जैसे आपको एक और स्टॉक में आपको बता दूं कि जो होने वाला है इसी तरह का, 40 से 50 साल तो बीत गया है, और 30-35 साल में ज़्यादा नहीं दोस्तों, 10,000 लगाकर उसको भूल जाइए कि हमने कोई स्टॉक लिया है. और उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC जी, और सुजलन एनर्जी इंडिया लिमिटेड. जय हिंद, जय भारत. बाय बाय दोस्तों, लव यू. खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए.